एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। आज हम बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बीए सेकेंड ईयर में जो हमारा सिलेबस है उसमें हमारे दो पेपर हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। टाइम है 1200-06 से 1526 AD। मध्यकालीन भारत का राजनीतिक इतिहास 1206 से 1526 तक। ये हमारा फर्स्ट पेपर है। ऐसे ही हमारा सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर जो है, सेकंड पेपर का जो नाम है वो है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1526 से 1740 तक। तो मध्यकालीन भारत का राजनीतिक इतिहास 1526 से 1740। तो जो हमारा फर्स्ट पेपर था पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1206 से 1526, ये हमारा पूरा सल्तनत काल है जो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होता है और लोदी वंश पर खत्म हो जाता है। सेकंड पेपर हमारा बाबर से शुरू होता है और 1740 तक ये हमारा खत्म हो जाता है। औरंगजेब के बाद तक, मतलब शिवाजी वगैरह जो आएंगे ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट पेपर में हमारी 4 यूनिट्स हैं। तो 4 यूनिट्स में हम एक एक यूनिट के टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगी। तो फर्स्ट यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मेडिवल हिस्ट्री को जानने के स्रोत। जो मध्यकालीन भारत है उसको जानने के स्रोत कौन कौन से होते हैं, जैसे पुरातात्विक स्रोत होते हैं और साहित्यिक स्रोत होते हैं। सेकंड जो हमारा टॉपिक है इसमें, यूनिट फर्स्ट में, वो है हिस्टोरियोग्राफी, डिफरेंट अप्रोचेज का विभिन्न दृष्टिकोण, इतिहास लेखन में विभिन्न दृष्टिकोण हमारा सेकंड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक है हमारा राइज ऑफ तुर्क, तुर्कों का उदय और अरब आक्रमण और उनके भारत पर प्रभाव क्या पड़े। तुर्कों का उदय कैसे हुआ, अरब आक्रमण हुए और अरबों और तुर्कों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमारा थर्ड टॉपिक है। अब आती है हमारी सेकंड यूनिट है हमारी गुलाम वंश में। आपको पता है गुलाम वंश में ऐबक आएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, और उन कुतुबुद्दीन ऐबक की अर्ली लाइफ, मतलब जो उनकी स्टार्टिंग की लाइफ थी, उनका जो जीवन था और उनकी क्या क्या कठिनाइयां रही और क्या क्या उन्होंने अचीवमेंट्स की हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमें पढ़ना है। सेकंड टॉपिक है हमारा इल्तुतमिस की प्रारंभिक कठिनाइयां, उनके जो रूल ऑफ 14 उन्होंने बनाया था, 40 दल का जो गठन किया था उसके बारे में हमें पढ़ना है और उनकी सफलताओं के बारे में हमें पढ़ना है। इल्तुतमिस की सफलताएं, रूल ऑफ 40 और उनकी अर्ली लाइफ और उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी कठिनाइयां क्या रही हैं। सेकंड यूनिट में हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है रजिया के बारे में हमें पढ़ना है। रजिया ने कैसे कैसे शासन किया और क्या कैसे उसका पतन हुआ, जैसे वो शासिका बनी थी और फिर बाद में उसका पतन हो गया था। तो फोर्थ टॉपिक है हमारा बलबन के बारे में पढ़ेंगे। बलबन थे, उनकी अर्ली लाइफ कैसी थी, उनकी प्रॉब्लम्स क्या रही है और उनकी किंगशिप जो थ्योरी है, मतलब उनका जो राजतत्व का सिद्धांत जिसे बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बलबन के बारे में हमें पढ़ना है। फिर हमारा है फिफ्थ टॉपिक है हमारा कि जो हमारा गुलाम वंश है वो उसका कैसे पतन हुआ। तो गुलाम वंश का पतन कैसे हुआ, मतलब उनके कारण परिणाम क्या रहे हैं, कैसे उनका पतन हुआ है, ये हमारा टॉपिक है फिफ्थ टॉपिक। फिर है हमारा सिक्स्थ टॉपिक, तो हमारा छठा जो हमारा सेकेंड यूनिट में जो सिक्स्थ टॉपिक है वो है खिलजी वंश में हमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ना है और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली, उनकी अर्ली लाइफ, उनकी कठिनाइयां, उनके अभियान, जो दक्षिण अभियान उन्होंने किए थे वो हमें पढ़ने हैं। और अलाउद्दीन खिलजी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये हमारी सेकंड यूनिट थी फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट और सेकंड यूनिट जो है मैंने आप सभी के साथ डिस्कस की है, इनके एक एक टॉपिक को भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी। तब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।